हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड नंबर 6। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो 3 महीने बाद जोल और एली भटकते हुए किसी कैबिन तक पहुँच चुके हैं। इनका इनकाउंटर यहाँ पर एक कपल से होता है जो कि सबसे पहले ही यहाँ पर रह रहे थे, और इसीलिए इन लोगों का यहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। औरत को बंदूक दिखाने के बाद जोल समझ जाता है कि ये लोग सचमुच में भले लोग हैं। जोल और एली रास्ता भटक चुके थे और इन्हें वार्मिंग जाने के लिए सिर्फ दिशा की ज़रूरत थी। उन्होंने इसे रास्ता तो बता दिया, लेकिन साथ ही साथ वार्निंग भी दे दी। वहाँ पर जाते वक्त इन्हें रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करना होगा। इस कपल को ज़्यादातर समय उस रिवर के किनारे काफ़ी सारे ह्यूमंस और इन्फेक्टेड की लाशें मिला करती थी, और इसीलिए इन लोगों ने उस रिवर का नाम रिवर ऑफ डेथ रख दिया। डायरेक्शन मिलते ही ये दोनों बाहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के साथ ही जोल को एक हल्का सा पैनिक अटैक आ जाता है, यानी अभी एली के लिए थोड़ा सा चिंतित हो रहा है। रात में ये लोग एक गुफा के बाहर कैंपिंग करने लगते हैं, और वहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स भी दिख रही थी। एली अब जोल से एक सवाल करती है कि अगर वाकई में फायरफ्लाई ने उसके खून से वैक्सीन बना ली तो वो दुनिया के नॉर्मल होने पर क्या करेगा। लेकिन जोल कहता है कि वो एक बढ़िया सा फार्म हाउस खोल के उसके अंदर भेड़ बकरियां चराएगा, और एटलीस्ट वो जानवर तो इसकी बात तरीके से फॉलो करेंगे। यानी कि जोल एली को ताना मार रहा था। अब एली कहती है कि उसे बचपन से एक एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाहिश थी, और जोल ने परफेक्टली बता दिया कि उसका फेवरेट एस्ट्रोनॉट कौन है, सैली राइड। फिर एली ने उसे सैम को बचाने वाले अटेम्प्ट के बारे में भी बताया कि कैसे उसने सैम को अपने खून से बचाने की नाकामयाब कोशिश की थी। लेकिन जोल उसे समझाता है कि ये वैक्सीन वाला प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जिन भी लोगों को गेम की स्टोरी पता है वो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन का मतलब तो समझ ही चुका होगा, और अगर नहीं पता तो जल्दी पता चल जाएगा। इस सब के बाद जोल एली को सोने के लिए भेज देता है और खुद रखवाली के लिए चला जाता है। सुबह होते ही जोल को पता चलता है कि उसकी आँख लग गई थी, और उसके सोने के बाद ही एली ने उसकी गन लेकर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। जोल और एली को फुल एंड फाइनल वार्निंग दे देता है कि जब भी उसकी आंख लग जाए तो उसे उठा देना होगा। लेकिन फिर भी एली के वॉचिंग स्किल्स देखकर वो इम्प्रेस हो ही चुका था। और यहाँ पर हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि नींद में जोल सपने देख कर बड़बड़ाता है। फिर ये लोग वेस्ट के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं, और जहाँ पर इन्हें एक नदी दिखती है, और इन्हें लगा कि ये रिवर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था। जोल एली से कहता है कि किसी समय में इंसान इसकी बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, और उसे इस चीज़ की प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए एली उससे ये ना पूछे तो ही अच्छा होगा। जोल उसे सीटिंग मारकर हथियार चलाना सिखा दी, यही उसके लिए काफ़ी होगा। और फाइनली जब ये एक्चुअल रिवर ऑफ डेथ के पास पहुँच जाते तो इनका सामना घुड़सवारों से हो जाता है। ग्रुप की लीडर ने इन लोगों के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया ताकि वो इन लोगों का इन्फेक्शन चेक कर सके, और ये कॉन्सेप्ट हमने एपिसोड 1 के अंदर भी देखा था। जोल ये टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन वो कुत्ता जैसे एली के पास जाता है वो गुर्राने लगता है, लेकिन एली को देखकर वो कुत्ता उसके साथ खेलने भी लग जाता है। लेकिन जोल यहाँ पर परेशान हो चुका था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया। इस चेकिंग के प्रोसेस के दौरान उसे मालूम था कि वो कुत्ता एली को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर खड़ा रहा और तस से मस नहीं हुआ, और एली का साथ उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है। फिर जोल बताता है कि वो अपने छोटे भाई को यहाँ पर ढूंढने आया है। जोल का नाम सुनते ही इनकी लीडर इन्हें अपने साथ लेकर आ गई द जैक्सन टाउन। उस टाउन के अंदर पहुँचे जोल और एली हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 4 दीवारी बनाकर यहाँ पर एक अच्छी खासी सोसाइटी बसा रखी थी। यहाँ पर लाइफ इतनी ज़्यादा नॉर्मल थी कि यहाँ पर लोग स्नोमैन बना के क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए थे। जोल की नज़र अपने भाई टॉमी पर पड़ी, और यहाँ पर इन दोनों भाइयों का रीयूनियन हो गया। ग्रुप की लीडर मरिया ने पास की जगह में लेकर आई, और इन दोनों ने काफ़ी लंबे समय बाद एक अच्छा खाना खाया था। एक टीनेज लड़की इन लोगों पर नज़र गड़ाए हुए थी, लेकिन एली उसे भगा देती है। यहाँ के लोगों ने एली जैसी गाली देने वाली लड़की आज तक नहीं देखी थी। जोल उसके ब्याह पर सॉरी कहता है। जोल टॉमी के साथ अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन टॉमी बताता है कि वो भी उसकी फैमिली है, यानी कि उसने मारिया से शादी कर ली। और इस चीज़ को लेकर तो मैं भी क्या कह सकता हूँ, ये बात सुनकर तो जोल खुद भी स्पीचलेस रह गया था। और इन्हें ज़बरदस्ती की शुभकामनाएं देकर वो इन लोगों के साथ टाउन के टूर पर निकल गया।
मारिया की गैंग को ये टाउन 7 साल पहले मिला था और थोड़ी बहुत मरम्मत करने के बाद ये सभी लोग यहीं पर शिफ्ट हो गए। बूढ़े जवान बच्चों और सब लोगों को मिलाकर यहाँ पर करीब 300 लोग रह रहे थे। इस जगह पर कम्युनिज्म चलता है, यानी कि इन लोगों का कोई एक लीडर नहीं है, लेकिन पूरा शहर मारिया की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं यही इनकी लीडर है। फिर इन्होंने हाइड्रो डैम की इलेक्ट्रिसिटी बनाना भी शुरू कर दिया था और ये वही डैम था जो कि जोल और अली को रास्ते में दिखा था। इस टाउन में से कोई भी नहीं चाहता था कि किसी बाहर वाले को इस जगह का पता चले, और मारिया के कहने पर टॉमी ने उसे रेडियो से सिग्नल भेजना बंद कर दिया। और ये सुनकर जोल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, एटलीस्ट टॉमी को कुछ तो हिंट देना चाहिए था। एली फार्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसने एक नन्हे घोड़े के साथ दोस्ती भी कर ली। इस सब के बाद टॉमी जोल को एक लोकल बार के अंदर लेकर जाता है और जोल उसे झूठ कहता है कि टेस्ट आज भी जिंदा है, वो सिर्फ यहाँ एली की फायरफ्लाई फैमिली को ढूंढने आया था। टॉमी बताता है कि फायरफ्लाइज का एक ग्रुप यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के अंदर होगा और घोड़े की मदद से वो एक हफ्ते में वहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन रास्ते में इनका मुकाबला इन्फेक्टेड और रेडर से हो सकता है, रास्ता इतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो टॉमी को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन टॉमी इस सबसे साफ इनकार कर देता है। आखिर मारिया प्रेग्नेंट जो है और वह उसे छोड़कर बाहर फालतू के रिस्क लेने नहीं जाएगा। ये बात सुनकर जोल की पूरी तरह से सटक जाती है। जोल उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो कभी एक अच्छा बाप बन पाएगा। फिर टॉमी उससे कहता है कि अगर उसके लिए ज़िंदगी रुक गई, इसका मतलब नहीं कि दूसरों के लिए भी ज़िंदगी रुक गई। टॉमी को जीने के लिए एक नया पर्पस मिल चुका है, और अगर ऐसा ही है तो ठीक है। सुबह जोल अब एली के साथ निकल जाएगा। जोल जैसे ही बाहर आता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और उसे देखकर उसे सारा की याद आने लगती है, और अब उसे फिर से एक और पैनिक अटैक आता है। मारिया ने इन दोनों को एक कोने के घर के अंदर शिफ्ट कर दिया। नहाने के बाद एली यहाँ पर मारिया से मिलने चली जाती है। मारिया अब उसे उसकी इच्छा के बिना ही एक नया हेयर कट देना चाहती थी। आउटब्रेक से पहले मारिया लोगों को सजा दिया करती थी, वो कोर्ट में काम किया करती थी। उसे पता चलता है कि जोल और मारिया दोनों ही अपने बच्चों को खो चुके हैं। सहरा वाली बात सुनते ही अली समझ गई कि जोल उसके अराउंड इतना वियर्ड एक्ट क्यों करता है। मारिया बैली को वार्निंग दे देती है कि जोल कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसे अपना ध्यान रखना होगा। एली को पता था कि जोल दूध का धुला हुआ तो नहीं है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो उसके लिए सब कुछ ठीक है। हेयर कट लेने के बाद वो फिर आसपास के टाउन के अंदर मूवी देखने चली गई। दूसरी तरफ जोल अपने बूट्स रिपेयर करने के अंदर लगा हुआ था, लेकिन तभी टॉमी ने उसे नए बूट्स दे दिए और इस सब के साथ माफ़ी भी मांगी कि उसने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। जोल ने टॉमी को यहाँ पर सब कुछ सच सच बता दिया कि टेस्ट मर चुका है और एली इस इन्फेक्शन से इम्यून है। फायरफ्लाइज उसके ब्लड से वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं और एली को सुरक्षित रखना टेस्ट की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन एली के साथ रहते रहते उसे बचाते बचाते वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो चुका है। उसे एली की सुरक्षा करते हुए डरावने सपने और यहाँ तक पैनिक अटैक्स भी आने लग गए थे। जोल अच्छे से जानता था कि उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बिठाने के बाद वो उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। जोल ने टॉमी से आखिरी बार रिक्वेस्ट करी कि वो उसे लेकर फायरफ्लाइज के पास चला जाए, और काफ़ी सोचने के बाद टॉमी यहाँ पर हाँ बोल देता है। घर पहुँचने पर जोल को पता चलता है कि एली ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। एली ने इमोशनल होकर उसे बताया कि वो सारा के बारे में जानती है, ना ही एली जोल की बेटी है ना ही वो उसका बाप, तो अच्छा होगा कि बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के वो अपना काम अच्छे से निभा ले। एली को अच्छी तरह से पता है कि किसी को खो देना क्या होता है। जिसने भी उसे चाहा या तो वो मारा गया या तो वो उसे छोड़कर चला गया। जोल भी अब इस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है, क्योंकि लास्ट मोमेंट आते ही उसने भी उसे छोड़ दिया, यानी कि उसने उसे टॉमी के हवाले कर दिया। सहरा का नाम सुनते ही जोल अलग ही ट्रिप के अंदर पहुंच जाता है। जोल ने एली से कहा कि वो उसकी बेटी नहीं है, सुबह होने के बाद ही ये अपने अपने रास्तों पर निकल जाएंगे। दोनों एक्ट्रेस ने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है, लेकिन ये सीन गेम के अंदर ज़्यादा इमोशनल था। रूम के बाहर निकलने के साथ ही जोल को यहाँ पर फिर से पैनिक अटैक्स आने लगे। सुबह होने के साथ ही टॉमी अली को अपने साथ अस्तबल लेकर आ गया। जोल भी उसी जगह पर मौजूद था, वो तो सिर्फ यहाँ पर घोड़े की तलाश में आया था ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन सोच विचार करने के बाद वो कहता है कि एली को यहाँ पर पूरा हक है अपना पार्टनर चुनने का, और उसने जोल को चुना। फिर ये दोनों यूनिवर्सिटी के रास्ते के लिए निकल पड़े टॉमी को बाय करने के बाद।
टॉमी ने जूल को अपनी राइफल थमा दी और कहा कि इस शहर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हर समय खुले हैं। रास्ते में जूल और एली की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। जूल ने उसे बंदूक चलाना सिखा दिया और बताया कि आउटब्रेक से पहले वो एक कॉन्ट्रैक्टर था। ये लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे और जूल एली को एक और बात बताता है कि अगर ये दुनिया बच गई और वैक्सीन बन गई तो वो उसे गाना गाकर सुनाएगा क्योंकि वो सिंगर बनना चाहता है। इन्हें पता चला कि फायरफ्लाइज तो किसी रीज़न की वजह से सॉल्ट लेक सिटी पर शिफ्ट हो गए थे। बाहर निकलने के साथ ही इन लोगों को सामना कुछ रेडर से हुआ। जूल यहाँ पर एक रेडर को मार देता है, लेकिन मरने से पहले उस रेडर ने जूल को एक चाकू की मदद से काफ़ी बुरी तरह से घायल कर दिया था। उस जगह से निकलते वक्त ही रास्ते में जूल घोड़े से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एली जूल के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अवेलेबल होगा इसी चैनल के ऊपर। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से ना छूटे। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।